प्रत्येक कलाकार अपनी अपनी योग्यता का परिचय देते हुए चला जा रहा है और गायक बंधु ये भी बोल रहे थे, मेरे भाई सुंदर कि ए इंसान का तन कोई काम में नहीं आया है, लेकिन बुद्ध जी भी कहते हैं इस इंसान का हर पुर्जा पुर्जा काम में आया है। सुनिए, गजासुर की खाल को और शंकर जी ओढ़ रहे, मांगो प्रदान मुक्ति रण में जिन पाई है, काट काट मास राजा से बिनु तो लियो, बाजते कबूतर की लई जान बचाई है। ध्यान दीजिए, दान में दधी चने हड्डी दान में दधी चने हड्डी गहाय दई और प्रत्यासुर मार में लियो, ये कपट चुर बनाई है, लग रहो पाखरिया ने छानी पा फाट कते अड़ाई है। श्रोता, जब भी कोई भी जाता है, देश और विदेश जाते हैं, वीजा बनवाना पड़ता है, दूसरे देश के लिए जाते हैं तो वीजा बनवाना पड़ता है, और हमारे इस देश में दो युद्ध ऐसे हुए, कोई टिकट नहीं कोई वीजा नहीं, वो कौन हुए मेरे भाई सुरेंद्र? पाक जाओ जाए श्रीलंका, ये पाक जाओ जाए श्रीलंका और वीजा का बंधन है, और पाक जाओ जाए श्रीलंका वीजा का बंधन है, बिन वीजा गए कौन गए? श्रोताओ, लाइन अच्छी लगे तो मैं तालियों का प्यार चाहूंगा, ध्यान से सुनना। पाक जाओ जाए श्रीलंका वीजा का बंधन है, और बिन वीजा गए मारुति नंदन और अभिनंदन है, अभी नहीं, बिन वीजा गए और मारुति नंदन और अभिनंदन है, एक तो पूछ बाला है और दूसरा मूछ बाला है, एक तो मूछ बाला है, हो 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 ला 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 ला, हे हो 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 ला 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 ला, पाक जाओ चाहे श्रीलंका वीजा का बंधन है, बाबाई वाह, पाक जाओ चाहे श्रीलंका वीजा का बंधन है, बिन वीजा गए अम्मा।
अभिनंदन और अभिनंदन है। एक तो पूंछ वाला है, दूसरा मूंछ वाला है। एक तो पूंछ वाला है, दूसरा मूंछ वाला है। और दोनों के काम एक जैसे हैं। काम क्या है? बिन बीज आ गए मारुति नंदन और अभिनंदन है। एक तो पूंछ वाला है। पूंछ वाला कौन है? जो से बोलिए पूंछ वाला कौन है? क्या बात है, हनुमान जी महाराज। और मूंछ वाला कौन है? मूंछ वाला है अभिनंदन। एक तो मूंछ वाला है, दूसरा पूंछ वाला है। हनुमान आग लगाए दई। भगत जी 111 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। नाम है जरूर भूल जाऊं मैं प्यारे। चेतराम भगत जी तरुण निवासी। जब आऊं जब ही मिली सी कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी सुनिए, हनुमान ने आग लगाए दई। दो भक्त राम के प्यारे सुंदर। ये 100 रुपए का पुरस्कार भाई सुंदर तो सारी निवासी पुरस्कार दे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। हनुमान ने आग लगाए दई, दो भक्त राम के प्यारे। अभिनंदन ने पाक में जाके बोल दिए जयकारे। अभिनंदन पायलट ने पाकिस्तान में जाकर और भारत माता के जयकारे लगाने लगा। एक बार अगर आप लोग सच्चे हिंदू हैं, हिंदुस्तानी हैं, दोनों सीधे हाथों को खड़े करें और बोलिए भारत माता की। क्या बात है, वाह भाई वाह। बोलती जयकारे, जन पूछे भुजाए दई पानी में। बाबा बा सुंदर, कौने भुजाए दई पूछ पानी में? अकबरपुर वाले अच्छो बिल्कुल आएंगे साहब, क्यों नहीं आएंगे। यही तो है भावना में भावना। बहुत बहुत धन्यवाद। जानना 50 रुपए का पुरस्कार भैया जी दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 50 रुपए का पुरस्कार बड़े भैया कप्तान जी, और 50 रुपए का पुरस्कार छोटे भाई दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जाने पूछा भुजाए दई पानी में, जाने जान बचाए लई पानी में। दोनों योद्धा भये देश के। हो 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 ला 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 ला। दोनों योद्धा ये देश के भाव का चंदन है। बिन बीजा गए मारुति नंदन और अभिनंदन है। एक तो पूंछ वाला है, दूसरा पूंछ वाला है। आइएगा
वही। श्रोता, भोले शंकर ने राजा मदन सेन से कहा, बेटा मदन सेन तेरी उम्र 70 वर्ष की है, जिसमें से तूने 40 भोग ली है, 30 भोग ली है, और बचे 40, 20 वर्ष अपनी रानी को दे दे, तुम दोनों की उम्र बराबर हो जाएगी, तुम दोनों एक साथ मरोगे। ऐसा ही किया, अपनी आधी उम्र देने के लिए तैयार हो गया। उससे पहले भोले शंकर ने कहा, बेटा मदन सेन, इस बात को रानी को मत बताना कि तेरे लिए सरप ने डस लिया। और भोले बाबा आए, उन्होंने मेरी आधी उम्र को तेरे लिए दिया। ये रानी तेरे साथ में कोई भी धोखा दगा करती है, अपनी उम्र वापस ले लेना। श्रोताओ, आधी उम्र दे दी, रानी जिंदा हो गई। और सुरेंद्र जी, भोले शंकर, मां पार्वती अंतर्ध्यान आ गए। अर्थ में लिखा है, कई सैर लिए लांग कुमर एक बियाबान में आयो है, एक कुटिया पीपर देख कुमर मां आए के सुस्तायो है, नारी जाके संग परे दुपहरी चोर दिए जाके सब मुरझागे अंग, नयो नबादो एक जोगी को छोरा कुआ पे बैठो पाए गए। श्रोता, एक जोगी का लड़का कुएं के घाट पर बैठा है, और राजा मदन सेन, रानी चंद्रप्रभा चले जा रहे हैं और कुएं के पास में रुक गए। और बोले राजा मदन सेन ने कहा, जवान हमें प्यास लगी है, हमारा गला चटका जा रहा है, हमें थोड़ा सा पानी पिला दो, इससे बढ़कर और दूसरा धर्म नहीं होता। श्रोताओ, लेके लोटा डोर जल दियो, जो कुआ के घट आयो है, चंद्रप्रभा को देख जोगिया धीरे ते मुस्कायो है, हंस तो जोगी लग रहो अच्छो, आप हंस गई रानी, आगे की सुनो कहानी। श्रोताओ, जोगी का लड़का रानी चंद्रप्रभा की तरफ थोड़ा सा मुस्कुरा गया, रानी चंद्रप्रभा कुछ अधिक मुस्कुरा गई, नैन से नैन मिल गए। अब होता क्या है, सुनिए। अरे मिले नैन से नैन बही बेचैन बिकल मन नारी, और बुजुर्गी बैठो मस्ती में जग सूरत लग रही ज्ञान, जोगी बैठो तक ठोकर खावेगी, यहाँ के संग में परदेशन तू भटक भटक मर जावेगी, मेरे संग में मौज करेगी, चाहे बेशक तू अजमा ले रानी, पहले यहाँ तेरे राजा तेरे फंदे छुड़ा ले। जोगी का लड़का बोला रानी चंद्रप्रभा से, इसके साथ में कब तक भटकेगी, दर दर डोलेगी, मेरे साथ में तू आनंद करेगी, चल मेरे साथ। त्रियाजाल, सुनिए त्रियाजाल क्या होता है। मैंने कल बताया इस चिकड़ी के प्रसंग से मेरे से बहुत बड़ा उपदेश मिलता है। अरे दियो तिरिया और जाल रचाई बराजा कुआ के तटलाई, सुंदर
चंद्रप्रभा ने कुएं में धकेल दिया और चंद्रप्रभा को लेके जोगी जामनगर में आयो है। चली गई जोगी के लड़के के साथ में रानी चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा को लेके जोगी जामनगर में आयो है। नृत्य कला में रूपवती ने भारी नाम कमायो है। वही मसूर जो नाचन हारी या लोग देखवे आमे या पे भारी द्रव्य लगामे। जोगी के लड़के के साथ में नाचने गाने वाली हो गई। जोगी का लड़का ढोलक बजाता है। रानी चंद्रप्रभा जगह जगह पर नाचती है। सुनिए आप कथा ने मोड़ लिया क्या। अरे लसकर लेके माल बेच बे और चारों एक बंजारो है। एक बंजारा माल बेचने के लिए जा रहा है। चारों एक बंजारो है। भाई कुआ पे ठहर गयो जो प्यास ते प्यास लगा राजा मदन सेन ने ढोल को पकड़ लिया। पूरा वृत्तांत बताया। और मदन सेन की चीख सुनी जब भेद खुलो फिर सारो है। मिनटन पर कम ध्यान दो कथा पर ज्यादा ध्यान दो। ईमानदार से कह दीजिए गा रहा हूं का घास काट रहा हूं। सही सही बताइयो। सुनिए भैया जी और ये मंच कोई जाति का नहीं होता है कोई बिरादरी का नहीं होता है। ये मंच केवल जाति है तो गायक की है कलाकार की है। भैया जी मदन सेन की चीख सुनी सारो है। बाप बंजारे ने बचा लियो राजा जूनागढ़ श्रोता। मदन सेन के लिए कुएं से बाहर निकाल लिया उस बंजारे ने और पूरा वृत्तांत समझा दिया। मेरी रानी ने मेरे साथ में दगा किया। कथा मोड़ ले रही है। मदन सेन को ले बंजारो गयो जामनगर में आई है। भाई जामनगर में गयो जामनगर में आई है। धन्ना सेठ की आदत पे देखो एक नौकरी पाई है। धन्ना मदन सेन से खुशबाओ धन्ना लकिया की चतुराई जान लियो मुनि बनाई। श्रोता राजा मदन सेन एक सेठ की आदत पर अपने उदर की पूर्ति करने लगा नौकरी करने लगा। एक दिन क्या होता है उसी आदत के सामने जोगी का लड़का आ गया। रानी चंद्रप्रभा को लेकर मंच लगा दिया। जोगी का लड़का ढोलक बजा रहा है। रानी चंद्रप्रभा गा रही है और नाच रही है। बहुत सारी भीड़ है भैया जी। उस भीड़ में राजा मदन सेन भी खड़ा है। मदन सेन को देखा रानी चंद्रप्रभा ने नाच गाना बंद हो गया। एकदम धन्ना सेठ ने कहा है नाच लगाने वाली गाती क्यों नहीं नाचती क्यों नहीं। नाच गाना नहीं होगा महाराज। क्यों नाच गाना तब होगा। अरे चोर राजा तेरी तो सवा में है मेरो चोर चोर हाँ चोर राजा तेरी तो सवा में है मेरो चोर। चोर बताती हूं अरे तेरे दही पापी अत्याचारी तकतो
किसी है? इनकी उम्र देख लो, लाल इनकी उम्र देख लो, बाबा वाह। और बोली बोली, अरे राजा आए सूली चढ़वाए दे। नाच गाना कब होगा? अपने पति के लिए कह रही है, बताइए रानी चंद्र प्रभा। भैया जी ये 100 रुपए का पुरस्कार अरुण सिंह ठेकेदार जी दुद्दी के नंगला वालों की तरफ से। अरे राजा आए सूली चढ़वाए दे, कह यार तू तू फांसी लगी बांध है तोड़ मेरो, अरे तोड़ मेरो था तोड़ मेरो सो बात न को एक ही तोड़, अरे तोड़ मेरो सो बात न को एक ही तोड़। नाच गाना तब होगा, ये जो सामने खड़ा है इसको या तो सूली दे दो या फिर फांसी। संतरी बुलवाए राजा मदन सिंह का पकड़ लिया, चलिए फांसी देंगे तेरे लिए। हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया महाराज, मुझे फांसी देना या फिर सूली देना। मैं जिसको कहता हूं मेरी सुन लीजिए, केवल 2 मिनट। मोहन सिंह जी की तरफ से, सरपंच साहब की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार और संजय हुलाना वालों की तरफ से 50 रुपए और चंदन मास्टर जी खून वालों की तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार। अच्छा 50 और जल्लो मेंबर पुतली वालों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और दयाराम नेताजी 50 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। लो हाँ 150 सही है। सुनिए कथा की तरफ ध्यान दीजिए। भैया जी आज कह रहा है, मेरी एक बात सुन लीजिए, समय तो हो गया लेकिन मैं क्षमा चाह रहा हूं, अगर श्रोता मने कर देंगे तो मैं गाने के लिए हट जाऊंगा। मेरा भैया गावेगा प्रेम सिंह, बाकी नंबर मैं ही गा रहा हूं, बाकी मत दीजिए भलो। चलो साहब सुनिए ध्यान से, मदन सेन रो रहा है और कह रहा है धन्ना सेठ ते मदन सेन फिर बोल रहो पानी, बोलत मैं पे हो कतर गना दे बहन लगो पानी। समय सबके लिए बराबर है लेकिन मिनट मैं क्षमा चाह रहा हूं। भैया जी अपना परिचय दे रहा है राजा मदन सेन, मेरी जूनागढ़ राजधानी, मेरी जूनागढ़ राजधानी, अरे चंद्रगुप्त मेरा पिता, मेरी ये चंद्र प्रभा रानी। परिचय दिया मैं जूनागढ़ राजधानी का राजा मदन सेन, ये नाच रही है ये मेरी पत्नी है, मेरी रानी है। नहीं नहीं मैं इसकी पत्नी हुई नहीं, मेरा पति तो ये जो ढोलक बजा रहा है, बताइए रानी बोली। नहीं सुनिए चंद्रगुप्त मेरा पिता, मेरी ये चंद्र प्रभा रानी, बेशक ये है मेरी नारी, या को मत करियो इतवार में गिर गई ये नागिन कारी। महाराज आगे कहा नहीं जा रहा, आगे कहूंगा तो आपका कलेजा फट जाएगा। और रो रहा है बोला राजा मदन सेन, छूट जाए सुन त्यारे छक्का, छूट जाएंगे सुन त्यारे छक्का, कुआ में आई दारतियो जन हाथन दे छक्का, बनो या को बनो या को बनो या को ला 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 ला
रघुवीर जी बाबूजी दे रहे हैं 100 रुपए आशीर्वाद स्वरूप मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया जी क्या बात है साहब, यही तो है जिकड़ी, जिकड़ी जिकड़ की होती है, 50 रुपए का पुरस्कार, ठीक है कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। मोए कुआ में आई डर दियो जन हाथन दे धक्का, बनो या को जोगी घर बारो। सुरेंद्र जी पैसा एक ना करे, 50 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। दिनेश हलवाई जी, बनो या को जोगी घर बारो, अरे रच रही त्रिया जाल सवा में ये कोरो बारो। फिर से दे रहे हैं चेतराम भगत जी, तरुणर वालों की तरफ से 211 रुपए हो गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओ रानी चंद्र प्रभा बोली बोली नहीं महाराज, ये 50 रुपए का पुरस्कार है। एक नाम बताओ भाई के सिंह जी, टाइम नहीं है बहुत, अरे समय ज्यादा है गयो भैया, पर कहे तेज सिंह भोला मेरी पार कर नैया।